बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान और उनकी दूसरी पत्नी किरण राव का 15 साल का रिश्ता टूट चुका है। दोनों ने आपसी सहमति से तलाक लेने का फैसला लिया है। इस खबर के आने के बाद एक और जहां ट्विटर पर हैशटैग आमिर खान हैशटैग डिवोर्स ट्रेंड हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर लगातार बॉलीवुड एक्ट्रेस फातिमा सना शेख का नाम टॉप ट्रेंड कर रहा है। कई यूजर्स फातिमा को ही आमिर किरण के तलाक की वजह बता रहे हैं। लोगों द्वारा अटकलें लगाई जा रही हैं कि आमिर खान का किरण राव से तलाक का कारण फातिमा सना शेख से नजदीकियां हैं। बता दें कि आमिर खान और फातिमा सना शेख के अफेयर की खबरें काफी समय से सुर्खियों में हैं। इंटरनेट पर दोनों की कई तस्वीरें इन कुछ सालों के दौरान वायरल हुई थी। हालांकि फातिमा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह आमिर को अपना एक मार्गदर्शक और लाइफ गुरु के तौर पर मानती हैं। लेकिन तलाक की खबरों के बाद लोग सोशल मीडिया पर आमिर खान और फातिमा के कथित लिंकअप पर खूब गॉसिप कर रहे हैं। दोनों की अफेयर की अफवाहें 2016 से 2019 के बीच चर्चा में थी। आपको मालूम हो कि फातिमा सना शेख दंगल में आमिर खान की बेटी के किरदार में नजर आई थी। इसके बाद आमिर और फातिमा फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में भी रोमांटिक जोड़ी के तौर पर नजर आ चुके हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेंड के साथ ही फातिमा सना शेख के कई मीम्स भी शेयर किए जा रहे हैं। शनिवार को आमिर खान और उनकी दूसरी पत्नी किरण राव दोनों की ओर से जारी बयान में कहा गया, इन 15 खूबसूरत सालों में हमने एक साथ जीवन भर के अनुभव आनंद और हंसी शेयर की है और हमारा रिश्ता केवल विश्वास सम्मान और प्यार से बढ़ा है। अब हम अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करना चाहेंगे। अब हम पति पत्नी के रूप में नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए सह माता पिता और परिवार के सदस्य के रूप में आगे बढ़ेंगे। उन्होंने आगे कहा, हमने कुछ समय पहले एक नियोजित अलगाव शुरू किया था और अब इस व्यवस्था को औपचारिक रूप देने में सहज महसूस करते हैं। अलग अलग रहने के बावजूद अपने जीवन को एक विस्तारित परिवार की तरह शेयर करते हैं। हम अपने बेटे आजाद के प्रति समर्पित माता पिता हैं, जिनका पालन पोषण हम मिलकर करेंगे। हम फिल्मों में पानी फाउंडेशन और अन्य परियोजनाओं पर भी सहयोगी के रूप में काम करना जारी रखेंगे, जिनके बारे में हम भावुक महसूस करते हैं। आपको याद दिला दें कि आमिर खान और किरण की पहली मुलाकात फिल्म लगान की शूटिंग के दौरान हुई थी। एक दूसरे को 5 साल तक डेट करने के बाद 28 दिसंबर 2005 में दोनों ने शादी की थी। सफर पर हैं और ढूंढ रहे हैं खबर, खबरों में ढूंढ रहे हैं अपना शहर। टॉप न्यूज, ब्रेकिंग और हर अपडेट तमिल मलयालम तेलुगु और कन्नड़, हिंदी के साथ 5 भाषाओं का पंच, सबसे नया सबसे अनूठा न्यूज ऐप, बस एक क्लिक दूर जी हिंदुस्तान। डाउनलोड करें और बाखबर रहें।